का दोस्तों द मास्टर प्रकाश क्लासेज में आप सभी भाइयों का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग देख रहे हैं वीडियो के प्रश्नोत्तरी जिसमें आपका इस समय 25 क्वेश्चन कराया जा रहा है। वो 25 क्वेश्चन एकदम बेहतरीन है, बस आप लोग लगकर और कापी कलम लेकर बैठिएगा ताकि जो क्वेश्चन आपको बताया जाए वो आप लोग नोट करते चलिए, चारों ऑप्शन को डिटेल से पढ़ते चलिए। ये बातें हम हर वीडियो में इसीलिए कहते हैं भैया कि अगर वो सेशन में जो आपका चारों विकल्प का विश्लेषण आप लोग अगर कापी पेन लेकर नोट कर लेते हैं तो जब वो कहीं क्वेश्चन आपको मिलेगा या अगले ही सेशन में उससे टच में क्वेश्चन आए तो आपका गलत नहीं होगा और आपकी वीडियो की ज़बरदस्त तैयारी हो जाएगी। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देवता शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, मतलब तीन है और एक नहीं है। ए सुर, बी अमर, सी देव, डी सुधाकर। तो एक का कौन सा हो जाएगा भैया? डी सुधाकर मैंने होता क्या अमृत, सुर देव अमर मीन्स होता है देवता। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर दो। नील गाय में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, अव्ययीभाव समास, कर्मधारय, डी द्वंद्व। तो देखिएगा जो गाय का विशेषण है वो क्या है? नील। क्या है? नील। तो अब नील गाय का क्या हो जाएगा? आपका कर्मधारय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कर्मधारय। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर तीन। निम्न विकल्पों में से अनेकार्थी शब्द समूह पहचान कर चिन्हित कीजिए। बताएंगे भैया आप लोग। आँख, अली, अक्षी, अक्ष, बी अंग अवयव अंश शरीर, सी कान श्रुति कर्ण कक्षा, डी आपका नाक स्वर्ग नाक केसर इज्जत। अनेकार्थी समूह बताना भैया जिसके अनेक अर्थ हों, समझ रहे हैं ना? तो बताएंगे तीसरा का कौन सा विकल्प हो जाएगा भैया? बी हो जाएगा, अंग अवयव अंश शरीर ये सब क्या है? अनेकार्थी हैं। अगला देखना क्वेश्चन नंबर चार। कान फूंकना मुहावरे का अर्थ क्या है? आप लोग कमेंट बॉक्स में एक बात बताइएगा कि फूंकना तद्भव है कि तत्सम? बताएंगे आप लोग। ए चौकन्ना करना, बी गुरु मंत्र देना, सी जादू टोना करना, डी चुंगली करना। तो चार का बेहतरीन जवाब आप लोग का गुरु मंत्र देना है। अगला देखना क्वेश्चन नंबर पाँच। मंदिर में जाने के बाद मन को शांति मिली, दिए गए वाक्य का काल पहचानिए। ए अपूर्ण भूतकाल, बी सामान्य वर्तमान काल, सी पूर्ण वर्तमान काल, डी आपका सामान्य भूतकाल। तो पाँच का कौन सा सही हो जाएगा? सी हो जाएगा, पूर्ण वर्तमान काल। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर छः। हिंदी शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? ए प्रत्यय के, बी संज्ञा के, सी क्रिया के, डी सर्वनाम के। तो छठवें का बी हो जाएगा, संज्ञा के। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर सात। आग लगने पर कुआं खोदना लोकोक्ति का सही अर्थ होगा? जल्दी से कार्य करना, बी संकट के समय बचाव के लिए सोचना, सी मुसीबत आने से घबरा जाना, डी कुआं खोदकर पुण्य कमाना। तो सात का बेहतरीन जवाब बी हो जाएगा, संकट के समय बचाव के लिए सोचना। अगला देखना क्वेश्चन नंबर आठ। चौराहा में कौन सा समास है? ए दिग्व, बी तत्पुरुष, सी बहुव्रीहि, डी आपका कर्मधारय। तो आठ का कौन सा हो जाएगा? ए चौराहा में दिग्व समास है। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर नौ। राम सीता से सुंदर है इस वाक्य में कौन सा कारक है? करण कारक है, बी अपादान कारक है, सी संप्रदान कारक है, डी संबंध कारक है। तो बताएंगे नौ का कौन सा हो जाएगा भैया? तो नौ का आपका बी सही हो जाएगा, सुंदरता की जहाँ बात है वहाँ अपादान कारक होता है। करण की कहाँ बात होती है? तो देखिएगा करण जहाँ अंगों में कोई विकार पाया जाए वहाँ करण कारक होता है, संप्रदान मतलब के लिए होता है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर दस। देव प्रसन्न होकर मनुष्यों को वर देते हैं, वाक्य में प्रयुक्त देव शब्द का बहुवचन बताएं। ए देवगण, बी देवजन, सी देवलोक, डी देवबृंद। तो दस का बेहतरीन जवाब आप लोग का ए हो जाएगा, देवगण। ग्यारह देखेंगे। दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प दूध का पर्यायवाची नहीं है? ए दुग्ध, बी पय, सी गौरस, डी अमीय। तो बताएंगे कौन सा हो जाएगा? ग्यारह का डी अमीय माने क्या होता है? तो होता है अमृत। क्वेश्चन नंबर बारह। निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? हीरा, बी पीतल, सी
सी अस्त्र, डी यमुना। तो 12 का बेहतरीन जवाब डी हो जाएगा, यमुना। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। कच्चा चिट्ठा खोलना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ है। ए सारा भेद खोलना, बी कच्चे काम को पक्का करना, सी भेद छिपाना, डी कान का कच्चा होना। तो 13 का ये तो ना, ये तो बहुत सब लोग जानते होंगे, कहते नहीं अभी ज़्यादा बनेंगे तो हमका कच्चा चिट्ठा खोल डालेंगे, मतलब सारा भेद खोल डालेंगे। तो आदमी कहता नहीं नहीं जो काम कहो कर दें, कच्चा चिट्ठा आप ना खोलिए। उपनिवेश से संबंध हो जिसका वाक्य के लिए एक शब्द का निर्माण बताइएगा आप लोग। उपनिवेशिक, बी औपनिवेशिक, सी औपन्यासिक, डी उपनिवेशवाद। तो 14 का बेहतरीन जवाब बी हो जाएगा, औपनिवेशिक। 15 देखेंगे, निधन कलंक का सही संधि शब्द कौन सा है। निष्कलंक, बी निष्कलंक, डी निष्कलंक, डी आपका निष्कलंक। 15 का बेहतरीन जवाब बी हो जाएगा, निष्कलंक। अगला देखिएगा 16 नंबर, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। सुसुप्त, बी दृष्टा, सी रचिता, डी सृष्टा। तो 16 का हो जाएगा बी दृष्टा। अगला देखना क्वेश्चन नंबर 17। जो शब्द संस्कृत भाषा से उत्पन्न या विकसित हुए हैं वह क्या कहलाते हैं। तत्सम, बी तद्भव, सी अर्थ तत्सम, डी देशज। तो 17 का बेहतरीन जवाब बी हो जाएगा, तद्भव। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ऋषि, बी एक में छोटी की मात्रा है सा में, एक में खटी सा में बड़ी की मात्रा है, एक में सी ऋषि, डी रीस। तो 18 का बेहतरीन जवाब ए हो जाएगा, ऋषि। अगला क्वेश्चन देखेंगे 19। रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान कहा जाता है। पृष्ठभूमि, बी नेफत, सी मंच पृष्ठ, डी गुह मंच। तो बताएंगे 19 का बेहतरीन जवाब बी हो जाएगा, रंग के पीछे का क्या हो जाता है, नेपथ। वही पर्दे के जो पीछे होता नहीं वही है। 20 देखिएगा, निश्चल का सही संधि विच्छेद है। निधंचल, बी निधंचल, सी निधंचल, डी निधन अचल। तो 20 का बेहतरीन जवाब आपका ए हो जाएगा, निधंचल बराबर निश्चल। 21, सदाचार का विलोम क्या होगा। यह भी बहुत बेहतरीन है, अनाचार होगा, बी कदाचार होगा, सी अपराध होगा, डी अन्याय होगा। तो 21 का आपका कौन सा हो जाएगा, बी कदाचार। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22। कौन सा भैया, 22। दिए गए विकल्पों में से अशुद्ध वाक्य है, मैं शनिवार को गांव जाऊंगा, बी इस यंत्र का आविष्कार अमेरिका में हुआ, सी गोलियों की बौछार हो रही है, डी पुस्तक छापने की व्यवस्था का प्रबंध करें। तो 22 का हो जाएगा डी अशुद्ध है, पुस्तक छापने की व्यवस्था का प्रबंध नहीं होता है कि व्यवस्था की जाए, गोले की बौछार हो रही है, सब तीनों सही है लेकिन डी आपका अशुद्ध है। अगला देखेंगे 23 से लेकर 25 तक आपको गद्यांश ध्यानपूर्वक पढ़िए और उसके बाद आप आंसर देते चलिए। तो देखिएगा आपका ये भी गद्यांश से आ गया आपका क्वेश्चन 23 नंबर, कौन सा भैया 23। चिंता की रेखाएं कहाँ उभरी आती हैं। अब ये अपना नहीं बताना कि हमारी चिंता का रेखाएं कहाँ उभरती हैं, मस्तक पर, गालों पर, सारे शरीर में। ये आपको कहाँ पढ़ना है, तो गद्यांश पढ़कर तभी आंसर देना है, समझ रहे हैं ना। तो बताएंगे 23 का, गालों पर होती हैं, बी मस्तक पर, सी सारे शरीर में, डी उज्जस्वी चेहरे पर। तो 23 का बेहतरीन जवाब डी हो जाएगा, उज्जस्वी चेहरे पर। अगला देखना क्वेश्चन नंबर 24। कौन सा क्वेश्चन नंबर 24। शांत रहने की प्रक्रिया में आगे बढ़ने के लिए रात को क्या करें। ए डायरी पर लिखे हुए अनुभव पढ़ें, बी शांत वातावरण में सोने जाएं, सी क्रोध के अनुभव डायरी पर लिखें, डी विश्वासपूर्वक प्रभु से प्रार्थना करें। तो 24 का बेहतरीन जवाब होगा कि क्रोध का जो आपने अनुभव किया है उसको डायरी पर लिखिए कि उस क्रोध से आपको क्या हासिल हुआ था जब आप क्रोध किए थे। अगला देखना क्वेश्चन नंबर 25 और इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। ये देखेंगे वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये 25 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन जो भी कराया जाता है भैया, इतना कम समय में करवा दिया जाता है कि आप लोग इस वीडियो को कम से कम 3-4 बार ज़रूर देखें, अपनी समझ विकसित करें। जब आप 3-4 बार अभी वीडियो को इतना मतलब एक घंटे की बना दिया जाए, आप लोग देख नहीं पाएंगे, इसीलिए 10-15 मिनट में आपकी वीडियो को ख़त्म कर दिया जाता है कि आप लोग इस वीडियो को रिक्वेस्टली कर रहे हैं कि 5-6 बार देखिए, ताकि आपके मन में जितने क्वेश्चन जितने डाउट हैं
वो क्लियर हो जाए। और आप लोग उस डाउट को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। सूचना बताते चलें आप लोग को कि आप लोगों को अगर नोट्स चाहिए, क्लास नोट्स हुआ, वन लाइनर हुआ, या किसी टॉपिक बाय टॉपिक से मतलब क्वेश्चन हुए, या आपको वन लाइनर चाहिए, तो आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, उस पर आप व्हाट्सअप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। तो देखते हैं आज के सेशन का आखिरी क्वेश्चन। क्रोध को काबू में रखने के मुख्यतः कौन से रोग दूर हो जाते हैं? मन के गुबार, बी पाचन क्रिया से जुड़े, सी अशांत रहना, डी चीखना चिल्लाना। तो 25 का सी हो जाता है, अशांत रहना। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।